तो so फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन वन टू फोर कर लिया है अब हमारे बुक में है प्रैक्टिस सेक्शन तो ये सॉल्यूशंस के साथ है तो वी जस्ट हैव टू गो थ्रू इट वंस ओके तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर वन दिस इज अ वेरी सिंपल एंड अ स्ट्रेट सम ओके क्वेश्चन वन एक्स लिमिटेड फर्निचर्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स टू एनेबल यू टू प्रिपेयर द शीट production over its 80000 materials purchased 5 lakh administrative over its, this is related to production 1 lakh and inventory details is given in rupees finished goods ka closing nahi diya hai okay the firm had the stock of 12000 units in the opening inventory opening stock 12000 it sold 60000 units 64000 units at 28.5 per unit उजेंड क्लोजिंग इन्वेंट्री लेबर कॉस्ट इन करेंगे कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड राइट एक्स लिमिटेड कॉशीट फॉर डैश प्रोडक्ट फॉर दर डैश प्रोडक्शन क्वॉंटिटी जी हमें नहीं पता है सेल्स क्वांटिटी पता है ओपनिंग स्टॉक पता है क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स पता है तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन क्वांटिटी ढूंढेंगे इट विल बी ओपनिंग स्टॉक 64000 माइनस सॉरी सेल्स क्वांटिटी 64000 माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ 12000 ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 8000 यू गेट प्रोडक्शन क्वांटिटी व्हिच कम्स टू 60000 ओके okay, तो हमारा सेल्स क्वांटिटी 64,000 है प्रोडक्शन क्वांटिटी 60,000 है तो ये हम कॉस्टशीट में लिख सकते हैं उसके बाद बनेगा फॉर्मेट ऑफ पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस कॉस्ट पर यूनिट स्टार्ट करेंगे ए पार्ट विच इज डायरेक्ट कॉस्ट उसमें लिखेंगे रॉ मटीरियल कंज्यूम्ड अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या लिखेंगे वी विल स्टार्ट विथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वन लैख फिफ्टी We will add purchases five lakh we will subtract the closing stock of one lakh twenty. ,000. I repeat opening stock of raw material denge. we will add purchases we will subtract the closing stock of one lakh twenty ,000. we will get raw material consumed that is five lakh thirty thousand. then we have labor cost of three lakh eighty five. मटेरियल कंज्यूम्ड मिल गया लेबर मिल गया प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा नाइन लाख फिफ्टीन थाउजेंड दर इज नो डायरेक्ट एक्सपेंस फिर बी इनडायरेक्ट कॉस्ट उसमें सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स. जी हाँ फैक्ट्री ओवरहेड्स सबसे पहले दे रखा है एटी थाउजेंड राइट तो इसे हम लिखेंगे प्राइम कॉस्ट के नीचे एटी थाउजेंड यू गेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ नाइन लाख नाइन थाउजेंड

ओके okay. इधर विच इज टू लैक फोर विल फिर हम सब करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम उसे ढूंढेंगे वी नो दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज प्रोड्यूस्ड इन करंट ईयर इट हैज टू बी वैल्यूड एट करंट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया है? हमारे प्रोडक्शन क्वांटिटी से विच इज सिक्सटी थाउजेंड टेन लाख एटी डिवाइडेड बाय सिक्सटी थाउजेंड तुमको मिलेगा 18 पर यूनिट सो योर क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट 18 पर unit. 8,000 into 18 you get लाख You get your cost of goods sold as 11,40,000. इलेवन लैकेंड यहां तक तो तुम सीधा सीधा पहुंच ही जाओगे राइट right? फिर उसके बाद जो एडमिन रिलेटेड टू जनरल वो नहीं है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरेज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अमाउंट तो नहीं दिया पर हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है विच इजीन लैक वन थाउजेंड 14 क्या कुछ तो होगा द डिफरेंस अमाउंट इज टू लैख सिक्सटी वन अब ये टू लैख सिक्सटी वन डिफरेंस क्या हो सकता है ये हो सकता है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेज जनरल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरेज तो देखो इधर ब्रैकेट डाला हुआ है टोटल इज टू लैख सिक्सटी वन तो ये बहुत ही आसान सा सम है ठीक है हमको सेलिंग प्राइस भी क्वेश्चन में दिया है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया सेल्स ढूंढ लेंगे बड़ा ही सिंपल सम है एक बार ट्राई कर लेना और बेटा जब तुम घर पे ट्राई करते हो यू शुड नेवर लुक एट द दोल्यूशन फर्स्ट अपने आप से यू नो सोल्यूशन वर्कआउट करो फिर चेक करो सारे अमाउंट है तो नथिंग लाइक दैट अगर कुछ गलत है तो तुमको तुम्हारी मिस्टेक जो है वो पता चल जाएगी सो दैट इज हाउ यू हैव टू यू हैव टू सॉल्व द सम नाउ वी गो टू प्रैक्टिस क्वेश्चन टू ये क्वेश्चन टू जो है इज अ टू प्रोडक्ट हम जैसे हमने ब्लैक पॉलिश ब्राउन पॉलिश किया था वैसे ही है ये एक्स इंजीनियरिंग मटीरियल कॉस्ट थर्टी एट लैक टेन लेबर कॉस्ट ट्वेंटी लैख टेन प्रोडक्शन ओवर हेड्स सिक्स लैख थ्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वालिटी कॉस्ट प्रोडक्शन रिलेटेड टू

लेबर uh, कॉस्ट के लिए लिखा है टाइप टू वॉज फोर्टी परसेंट ऑफ टाइप वन। मतलब टाइप है, बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट टोटल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वालिटी कॉस्ट प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेज आर बेस्ड ऑन फैक्ट्री परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट ऐसा हमने एक्स्टीमेटेड वाले सम में देखा था येलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू पर बेरिंग सोल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑन फर्स्ट में फर्स्ट में उसके कॉस्ट पर यूनिट के साथ दिया है यू जस्ट हैल्टीप्लाइड एंड वैल्यूट production during may was 270000 bearings of type 1 and 330000 bearings of type 2 and out of may's output 25000 bearings of type 1 and 40000 bearings of type 2 remained in stock on 31st may ye closing stock which was valued at cost of production prepare cost of production

टाइप वन एंड टाइप टू बेयरिंग्स फॉर द मंथ एंड में फिर हमको चाहिए प्रोडक्शन क्वान्टिटी एंड सेल्स क्वान्टिटी दोनों बेरिंग्स का हमारे पास क्या है इफ़ यू लोक एट द डेट हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्वान्टिटी है हमारे पास प्रोडक्शन क्वान्टिटी है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक क्वान्टिटी भी है वी हैव ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक प्रोडक्शन क्वान्टिटी वी डू नॉट हैव सेल्स क्वान्टिटी So we will make working note number one to calculate the sales quantity. Opening stock plus production minus sales uh, minus closing stock, you will get sales quantity, which works out to 260 and three lakh Right? Ye workout out ke you know what you have to do. Ye jo sare cost diye मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट प्रोडक्शन ओवरेज एडमिनिटेड प्रोडक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वालिटी कॉस्ट ये सारे खर्चे टोटल दिए हैं भाई हमको तो टाइप वन टाइप टू का कॉस्ट शीट अलग अलग चाहिए राइट right? तो हमें इस कॉस्ट को बाइफिकेट करना होगा तो बाइफिकेशन के लिए हमको रेशियोज चाहिए राइट ऑलवेज यू नो वेन यू डूइंग दिस सम टाइप वन टाइप टू ऐसे दो दो प्रोडक्ट के सम है तो लुक अप टू द सम दैट वी हैव डन ब्लैक पॉलिश ब्राउन पॉलिश वैसे ही करना है इधर भी तो चलो देखते हैं मटेरियल के लिए वी नो दैट टाइप वन ये एक्स डी टाइप वन है हमारा और ये टाइप टू ओके अगर मैं इसका दस अज्यूम करती हूं तो टाइप वन का वन सिक्सटी परसेंट है मतलब सिक्सटीन रुपीज हुआ तो ये जो है ये ये पर यूनिट सोचना है। अगर इसका टाइप टू का दस है, तो इसका 16 है, राइट? मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन यूनिट्स 2 लाख 70 एंड 3 लाख 30, यू गेट द टोटल कॉस्ट है 43 लाख 20, 000 एंड 33 लाख, जिससे हमारा रेशियो बनता है 432 एंड 330। मटीरियल कॉस्ट गिवन इज थर्टी एट लाख टेन थाउजेंड इसको हम इस रेशियो में लेंगे तो टाइप वन के लिए आता है ट्वेंटी वन लाख सिक्सटी और टाइप टू के लिए आता है सिक्सटीन लाख फिफ्टी फिर लेबर के लिए दिया है टाइप टू वॉज फोर्टी परसेंट ऑफ टाइप वन मतलब अगर मैं टाइप वन का टेन अज्यूम करूं तो ये चार रुपया है मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्शन क्वांटिटी यू गेट ट्वेंटी सेवन लैक्स एंड थर्टीन लैख ट्वेंटी रेशियो जो बनता है वो इट इज टू सेवेंटी एंड वन थर्टी टू डिवाइड योर ट्वेंटी लैख टेन थाउजेंड इन दिस रेशियो यू गेट थर्टीन लैख्टी एंड सिक्स लैख सिक्सटी प्रोडक्शन ओवरहेज इसके लिए क्या दिया है प्रोडक्शन ओवरहेज आर एब्सॉर्ब बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट यानी वही रेशियो लेना है प्रोडक्शन ओवरेज का जी इसमें वर्किंग नोट में तो नहीं लिखा है बट जब हम कॉशीट बनाएंगे तो उसके लिए हम ये रेशियो ही लेंगे सेम एज वेजेस ठीक है तो चलो शुरू करते हैं कॉशीट प्रोडक्शन क्वांटिटी लिखा दिस इज टाइप वन दिस इज टाइप टू ओके प्रोडक्शन क्वांटिटी लिख दिया है सेल्स क्वांटिटी लिख दिया है मटेरियल कॉस्ट एज वी बाइफकेटेड वेजेस कॉस्ट वी गेट प्राइम कॉस्ट प्रोडक्शन ओवरेज प्रोडक्शन ओवरेज इसी रेशियो में लेंगे यू कैन सी प्रोडक्शन ओवरेज इज हाउ मच सिक्स लैक्स थ्री थाउजेंड सिक्स लैक्स थ्री थाउजेंड डिवाइडेड बाई फोर जीरो टू इन टू टू सेवेंटी यू गेट फोर लैख फाइव एंड बैलेंस वन लैख नाइंटी एट ठीक है फिर रिसर्च डेवलपमेंट क्वालिटी कॉस्ट एडमिन ओवरेज रिलेटेड टू प्रोडक्शन इसके बारे में क्या लिखा है हेवी लुक एट द क्वेश्चन इधर लिखा है आर एब्सॉर्प बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट मतलब जो फैक्ट्री कॉस्ट आता है उसके बेसिस पर लेना है सो वॉट वी डू इुक हमारा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया है हमारा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो है इट इज ट्वेंटी फाइव लैक एट थाउजेंड कंपनी का फैक्ट्री कॉस्ट है ट्वेंटी फाइव लैक एट थाउजेंड और कंपनी का रिसर्च डेवलपमेंट क्वालिटी कॉस्ट एडमिन ओवरेज दिया है टू लैख फिफ्टी एट हंड्रेड तो कि ये इसे टेन परसेंट होगा राइट right? ये टेन परसेंट होगा एंड दे हैव कॉ हैव सेड दैट एडमिन ओवरेज और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वालिटी कॉस्ट को टेक इट एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट इसको एज अ परसेंटेज लो तो हम क्या करेंगे टेन परसेंट है तो ये भी टेन परसेंट होगा ये भी टेन परसेंट होगा करेक्ट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंपनी का खर्चा है सिक्सटी फोर लाख ट्वेंटी थ्री टोटल रिसर्च डेवलपमेंट एडमिन ओवरेज आया सिक्स लैख फोर्टी टू थ्री हंड्रेड आई एम सॉरी मैंने ये बोला था कंपनी का फैक्ट्री कॉस्ट आया सिक्सटी फोर लैख ट्वेंटी थ्री रिसर्च इन डेवलपमेंट कॉस्ट दिया है सिक्स फोर्टी टू थ्री हंड्रेड ये टेन परसेंट है तो हम बाकी का भी टेन परसेंट लेंगे और इससे हमको हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स और कॉस्ट दे रखा है वी विल वैल्यू इट अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स वी नो विच इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड फोर्टी थाउजेंड इसको करंट ईयर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेना है

5 lakh 20 and 6 lakhs 20. We'll get cost of sales, profit. They have said take 20% on sales. yani agar hamara sales 100 है, profit 20% होगा. to cost 80% You simply have to cross multiply and get it. Right? Cross multiply and get it. I hope you have understood the sum. Please work out the sum on your own once. Please do the sum. ये important है and ये exam question भी है Question थ्री जो है हमारे practice section में ये बड़ा ही अनोखा sum है It's very different sum. इसमें कोई कॉशीट का format नहीं लगता है पर working जो है वो कॉशीट के हिसाब से सोच सोच कर करना है Let's read it. रीरो प्रोड्यूस फोर हंड्रेड मेट्रिक टन ऑफ एम एस बार्स पेंडिंग थर्टी सिक्स लैक्स टूअर्ड्स मटीरियल एंड सिक्स लैक्स ट्वेंटी टूअर्ड्स रोलिंग चार्जेस राइट तो एक रीरो हंड्रेड टनस बनाए हैं एम एस बार्स के मटीरियल का खर्चा थर्टी सिक्स लैक्स हुआ है और रोलिंग चार्जेस सिक्स लैक्स ट्वेंटी हुआ है तो वी कॉल इट मटीरियल एंड लेबर कॉस्ट ये ले लिया है 10% of the output was found द आउटपुट defective. 400 में से less परसेंट the प्राइस ऑफ द गुड प्रोडक्शन या तुमने ऐसे सुना ही होगा डिफेक्टिव units का भी मार्केट होता है है ना? तो 360 जो है ये गुड आउटपुट है वी विल सेल इट एट standard प्राइस बाकी के 40 टन जो है ये डिफेक्टिव है इसे हम इंफीरियर प्रोडक्ट जैसा बेचेंगे एट लोअर प्राइस एट लोअर प्राइस जो हमारा इंफीरियर का प्राइस होगा इट विल बी 10 परसेंट लोअर देन द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इफ द सेल प्राइस रियलाइजेशन वुड गिवन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 12.5 परसेंट ऑन कॉस्ट जो टोटल सेल्स होगा कंपनी का दैट वुड बी ओवरऑल ओके ओवरऑल कंपनी का सेल्स okay? मतलब स्टैंडर्ड डिफेक्टिव दोनों का सेल्स उसको ओवरऑल सेल्स बोलेंगे कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है 12.5 परसेंट ऑफ दिस ओवरऑल सेल्स ऐसा लिखा है फाइंड द सेलिंग प्राइस पर मेट्रिक टन ऑफ बोथ द कैटेगरीज ऑफ बार द स्क्रैपराइजिंग ड्यूरिंग रोलिंग प्रोसेस फर्स्ट सिक्सटी थाउजेंड जब हम प्रोसेस कर रहे थे जो भी स्क्रैप जो भी भूसा जो भी भंगार जनरेट हुआ है उसको सिक्सटी थाउजेंड में बेचना है ये क्वेश्चन है लेबर कॉस्ट सिक्स लैक्स ट्वेंटी सेल ऑफ स्क्रैप जो भी होता है कॉस्ट में से हम सब ट्रैक करते हैं तो हमारा नेट कॉस्ट कितना बनता है वी गेट फोर्टी वन लैख सिक्सटी और कंपनी को ओवरऑल

जस्टस है आई एम सॉरी इधर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है जी मेरी गलती हो गई कॉस्ट हंड्रेड फोर्टी वन लैख सिक्सटी का ही ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट लो यू गेट फाइव लैख ट्वेंटी एंड टोटल सेल्स शुड बी फोर्टी सिक्स लैक्स एटी थाउजेंड राइट ये होगा हमारा टोटल सेल्स अब मैं एक बार फिर से रिपीट करती थी तो ये जो टोटल सेल्स है वो बेटा वो ओवरऑल सेल्स है ओवरऑल मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट 360 यूनिट्स का भी और जो डिफेक्टिव है 40 यूनिट्स उसका भी राइट तो ये है ओवरऑल सेल्स दोनों का मिलाकर तुमको ढूंढना है सेलिंग प्राइस आई रिपीट तुमको क्या ढूंढना है सेलिंग प्राइस ओके तो वही कैसे करेंगे टेन so, परसेंट so, कम मतलब वॉट विल बी दिन देखो फ्लो चार्ट बना है right? so, तुम्हारे लिए फोर हंड्रेड मेट्रिक टन थ्री हंड्रेड मेट्रिक थ्री सिक्सटी मेट्रिक टन विल बी सोल्ड एट एक्स पर यूनिट And 40 defective tons will be sold at 0.9. So, total sales: kitna aata hai? 360 multiplied by x, 360x, and 40 multiplied by 0.9x, you get 36x. Total is 396x, which is equal to 46,80,000. And then, x ka value mil be So, therefore, the selling price of the good output is this much, and defective output is 90% of this much. सो दिस इज द वे वी वर्कआउट क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है आई होप यू हैव अंडरस्टुड दिस और इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना ओके okay? सो so, ये रहा हमारा क्वेश्चीट का टोटल एक्सप्लेनेशन हमने सम्स देखे इनफैक्ट आई वुड से हमने काफी वेराइटीज कवर की है एक तो स्ट्रेट सम

इसके बाद मैं एडवाइस करूंगी कि तुम एक बार ये सारे सम्स कर लो भाई ये सारे सम्स कैन यू सी ये सारे एग्जाम सम्स है शीट हर एग्जाम में पूछा गया है हर एग्जाम में पूछा गया है दस मार्क के लिए राइट right? तो तुम ये और सात सम देख लेते हो तो नथिंग लाइक दिस यार नथिंग लाइक दिस फोर सम्स वी डिट प्रैक्टिस थ्री सम्स वी सॉ इन होम वर्क सेक्शन एंड मोर सेवन सम्स वुड बी इन अ फॉर कॉशीट इट वुड बी इन अ फॉर कॉशीट बिलीव मी और कुछ डाउट आता है इसमें तो यार मैं हूं ना यू कैन एनी टाइम आस्क मी ठीक है तो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर कॉशीट आई होप यू हैव इंजॉयड एंड आई होप यू हैव फाउंड इट नॉलेजेबल Thank you so much.